हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कुख्यात तस्कर कमलेश उर्फ कमल पुलिस मुठभेड़ में ढेर। करीब 60 से 70 लाख की नकदी, बड़ी मात्रा में अफीम, हथियार और सोने के गहने बरामद। बाड़मेर पुलिस ने कुख्यात तस्कर कमलेश उर्फ कमल को गुरुवार देर रात मुठभेड़ में मार गिराया। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में करीब एक दर्जन गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर स्थित बाड़मेर जिले में पुलिस ने कुख्यात तस्कर मोस्ट वांटेड कमलेश उर्फ कमल प्रजापत को मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस को उसके पास से करीब 60 से 70 लाख की नकदी, बड़ी मात्रा में अफीम, हथियार और सोने के गहने बरामद किए हैं। पुलिस ने कमलेश उर्फ कमल की आधा दर्जन से अधिक लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त किया है। इससे पहले तस्कर कमलेश ने पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर गाड़ी चढ़ाकर उसे जान से मारने का प्रयास किया। इसमें हेड कांस्टेबल बुरी तरह घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां उसका इलाज चल रहा है। वारदात के बाद जोधपुर पुलिस रेंज आईजी आधी रात को बाड़मेर पहुंच गए। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के मुताबिक बाड़मेर जिले का कुख्यात अपराधी कमलेश उर्फ कमल प्रजापत पाली जिले का मोस्ट वांटेड अपराधी था। उसके खिलाफ बाड़मेर जिले के अलग अलग थानों में हत्या, लूट, डकैती, चोरी, एनडीपीएस और पुलिस पर फायरिंग सहित करीब एक दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। उस पर पाली जिले के सांडेरा थाना अधिकारी पर हमला करने का भी आरोप था। गुरुवार रात को कमलेश के बाड़मेर सदर थाना इलाके में छिपे होने की सूचना मिली थी। पाली पुलिस से मिले इनपुट के बाद बाड़मेर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान तस्कर कमलेश उर्फ कमल प्रजापत निवासी छतीर का पार मकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर फरार होने लगा। इस दौरान दरवाजे पर तैनात हेड कांस्टेबल मेहरा राम ने उसे रोकना चाहा, लेकिन तस्कर कमलेश ने लग्जरी कार से टक्कर मारकर मेहरा राम को कुचलने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में वहां तैनात जवानों ने फायरिंग कर उसे घायल कर दिया। बाद में कमलेश को जिला अस्पताल में लाया गया। वहां उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसका शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। देर रात अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश विशोई भी जिला अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। आधी रात करीब 2 बजे जोधपुर रेंज आईजी नवज्योति गोगोई भी बाड़मेर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना कर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा से पूरी जानकारी ली। तड़के 4 बजे तक पुलिस ने तस्कर कमलेश के घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान क्या क्या मिला है, फिलहाल इस बारे में पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक पुलिस तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में नकदी और मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। कल रात को ही हमने उसके भाई और उसकी पत्नी को उसकी मृत्यु की सूचना दी थी। इस सीजर में कुछ जेवरात मिले थे घर से, जो उसकी पत्नी का स्त्रीधन प्रतीत होता था। हमने उन्हें अननेसेसरी जब्त करना उचित नहीं समझा। हमने वो अपने तहसीलदार साहब, पटवारी साहब के सामने उनकी जरिए फर्द, उनकी पत्नी और उनके भाई को वो गहने सुपुर्द कर दिए और वो उन्होंने कबूल कर लिए। उसके बाद अब आगे जो पोस्टमार्टम है वो एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बोर्ड के द्वारा किया जाता है, उसको लेकर के हमने तहरीर लिख दी है। जो ह्यूमन राइट कमीशन को रिपोर्ट्स भेजी जानी है वो सब भेजी जा रही है। सक्षम स्तर पर जहाँ पर भी सूचना देनी होती है वो देनी थी। थानाधिकारी जिस स्तर का थानाधिकारी से ऊपर के स्तर का अधिकारी जाँच होता है, इसलिए हमने CO से जाँच करा रहे हैं, तो सारी गाइडलाइन वो फॉलो कर रहे हैं। परिवार वालों से अब यही हमने कहा है कि वो अब इसका पोस्टमार्टम कराएं और जो मृतक है उसका अंतिम संस्कार और आगे की जो क्रियाएँ होती है उसको पूरा करें। उनसे उनके डेलीगेशन से हमने कहा यदि हमसे मिलना चाहें, कोई बात करना चाहें तो हम तैयार हैं। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।